नमस्कार, मैं आज बात करने वाला हूँ सेक्स ओसीडी के बारे में। एक मैं आपको पेशेंट की हिस्ट्री बताता हूँ, उसको मैंने क्या किया, उसकी क्या हिस्ट्री है, आपको सब समझा दूंगा। ये वीडियो शेयर करो ताकि ऐसे बहुत सारे लोग हैं कि जो इलाज करेंगे और अपना जीवन अच्छे से बिता सकेंगे। ये लड़का एक्चुअली खुदकुशी करने जा रहा था, मगर उसको सही इलाज मिल गया और आज वो अच्छा जीवन जी रहा है। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार सेक्स रोग सम्मोहन तथा व्यसन मुक्त न्यू महाराष्ट्र में पिछले 41 साल से अकोला में प्रैक्टिस कर रहा हूं। 23 साल का लड़का, इसकी हिस्ट्री में आपको सुनाता हूँ, कुछ पढ़ के कुछ वैसे ही। और 23 साल का लड़का है, सेक्स के विचार उसको बहुत ज़्यादा प्रमाण में आते हैं, बार बार उसको विचार आते रहते हैं और फिर वो सेक्स करने जाता है। फिर कोई भी लड़की मिली, कैसी भी लड़की मिली, तो उसको सेक्स करना ही है। कभी वो बोलता कि भाई 1000 रुपये देना पड़ता है, कभी 2000 देना पड़ता है, कभी 5000 देना पड़ता है। कभी कभी ऐसा होता है कि एक आधी लड़की दिखी, उसको अच्छी लग गई, तो लगता फिर वो कितना भी पैसा मांगे मेरे को तो देना ही पड़ेगा, मुझे जाके सेक्स करना ही है भाई उसके साथ में, ऐसा भी हो जाता है। अब उसको मालूम है ये कि अच्छा नहीं है, मतलब रोज ये बाहर जाएगा, रोज सेक्स करेंगे, अभी शादी होने की बाकी है, पैसे कहाँ से लाना रोज के रोज। और अभी क्या हो गया कि वो गांव में जो लड़कियां हैं सेक्स वर्कर्स, अभी उनको मालूम हो गया, बार बार आता है लड़का, अभी वो उसको और ब्लैकमेल करती है। मतलब कैसा कि नहीं, अभी 1000 नहीं, अभी 1500 होना, मतलब ऐसा उसका रेट होगा 1000 का, ये अभी 1500 मांगेंगी और उसको तो चाहिए ही चाहिए, तो फिर और वो पैसे देंगे। अब पैसे घर से पैसे मिलते थे उसको खर्चा पाने के लिए, तो वो खत्म हो गए, कितने देंगे घर वाले भी। फिर घर में चोरी करना चालू किया, चोरी करना, फिर वो भी कैसा मालूम पड़ जाएगा ये घर में, तो वो भी ऐसी चोरी करना कि जो मालूम नहीं पड़ेगा उतनी, झूठा बोलना, कुछ बर्तन बेच देना, तो घर के लोगों को शक आ रहा है कि कुछ तो भी गड़बड़ हो रही है घर में, मगर वो पकड़े नहीं जा रहा था अभी तक। और बार बार सेक्स के विचार है, फिर बाहर से लोगों से पैसे उधार लिया, पैसे लोन पे ले रहा है, 2-3% प्रति माह, कुछ समय 10% प्रति माह पैसे ले रहा है, 10% पर मंथ ब्याज। और उसको ऐसा लगता है कि भाई सेक्स के विचार आते हैं, फिर बहुत ज़्यादा उत्तेजना आती है, बहुत ज़्यादा इरेक्शन हो जाता है, बोलते हैं हाइपर सेक्सुअलिटी एक्चुअली। और फिर उसको ऐसा लगता है कि मुझे अपना दिमाग ही नहीं है, मतलब ये तो ऑटोमेटिक चल रहा है सब, उसको लगता है मैं दिमाग से कुछ काम ही नहीं कर सकता हूँ, मेरा दिमाग चलता ही नहीं है। और फिर कोई काम वो करता नहीं है, विचार करके तो कोई करता नहीं है। नौकरी पे जा रहा है, एक कंपनी में नौकरी है, वहाँ पैसा मिलता है, 1 तारीख को तनख्वाह होती है, तो जो साहूकार लोग हैं वो बाहर खड़े रहते हैं कंपनी के बाहर। अभी आजकल ऑनलाइन होना चालू हो गया, तो फिर उसको धोस मार के उसे ऑनलाइन ट्रांसफ़र करवा के लेते हैं पैसे। कौन सा भी काम करना है तो उसको सोचता नहीं है। फिर उसको जब मैंने पूछा तो उसने बताया कि भाई उसको इसके पहले बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी के डिसऑर्डर थे, जनरल एंग्जाइटी डिसऑर्डर, मतलब बहुत सारी बातों में चिंता करना, परेशान होना, नकारात्मक विचार आना, छोटी छोटी बात के ऊपर बहुत ज़्यादा चिंता, हाथ कांपना, धड़ होना, और कुछ तो भी हो जाएगा, मैं मर जाऊँगा, मतलब ऐसे विचार आते थे। तो ये उसको ऐसा भी लगता था पहले कि घर के लोग बाहर गए तो उनका एक्सीडेंट हो जाएगा, वो मर जाएंगे। कभी उसको लगता कि लोग मेरे को आके मेरे से बहुत ज़्यादा बहसबाजी कर रहे हैं, आर्ग्यूमेंट कर रहे, क्रिटिक है वो, और क्रिटिकली मेरे को बहुत ज़्यादा बुरा बोल रहे, ऐसा उसको लगता है, और कोई भी ऐसा बोलेगा उसको लगता है ऐसा। और उसका कहीं भी दिल लगता ही नहीं, कहीं मिलने की इच्छा नहीं, कहीं जाने की इच्छा नहीं, फिर चिड़चिड़ करना छोटी छोटी बात के ऊपर, नकारात्मक विचार, फिर ऑफिस में जहाँ काम कर रहा है वहाँ पट नहीं रही लोगों के साथ में, वहाँ प्रोडक्टिविटी उसकी नहीं हो रही है, प्रोडक्टिविटी नहीं हुई तो फिर बॉस से गालियाँ खाओ, उसको थ्रेट मिल रहा है कि अभी नौकरी से निकाल लेंगे, छोटी छोटी बात भूल जाना, याद नहीं रहना है, और फिर छोटी सी बात मतलब भूल गया तो फिर उसको अच्छा लगता है ना, अरे मैं भूल गया हूँ, अरे चाबी कहाँ रखी, अरे स्पेक्स कहाँ रखा, भूल जाता हूँ, घबराहट है। और इसमें फिर उसको और एक लग गई प्रॉब्लम की, जितनी घबराहट हो जाती है ऐसे विचार आता है, फिर वो खाता है कुछ ना कुछ, और इतना ज़्यादा खाता है कि उसका वजन बढ़ गया अभी, क्योंकि एक्सरसाइज नहीं है, काम करने की बिल्कुल इच्छा होती नहीं है, सर दर्द होता है, दम लगता है, और ये पूरा का पूरा
करीब करीब 1.5-2 साल से हो रहा है ऐसा उसको लगता है। अभी इसमें जो हाइपर सेक्सुअलिटी उसको होती है उसको ओसीडी भी है, बार 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 वही विचार आते जा रहे हैं। उसको मैंने दवाई दिया पहले, मैंने भी पहले दवाई लो, दवाई से पहले आपके विचार कम करो। तो ऐसे सारा ग्रुप की दवाई, एसिटालोप्राम, फिर ट्राइसाइक्लिक एंटीडिप्रेशन का कॉम्बिनेशन दिया, उसको कार्बामेज़ेपिन भी दवाई दिया कि उसको जो बिहेवियर आ रहा था वो बार बार, उसको क्लोमिप्रेमिन भी दिया कुछ इसमें, मतलब कुछ मात्रा में क्लोमिप्रेमिन प्लस डाइजीपम का कॉम्बिनेशन ताकि उसकी एंग्जाइटी कम हो जाएंगी। और फिर उसको हिप्नोथेरेपी मैंने सजेस्ट किया, और हिप्नोथेरेपी सजेस्ट जब किया उसको तो शिद्दत से वो कर रहा था हिप्नोथेरेपी। हिप्नोथेरेपी में होता क्या है कि आपका पूरा बदन रिलैक्स होता है, पूरा मन रिलैक्स होता है, और आप विजुअलाइज करते हो, विजुअलाइज करके पॉजिटिव अफर्मेशंस देते हैं, इमेजिनेशन करते हैं, तस्वीर बनाते हैं, बार 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 वो विजुअलाइज करके, वो सिचुएशन विजुअलाइज करना कि जहाँ उसको जाने की इच्छा हो रही है वेश्या के पास में, और वो रिलैक्स है और अपना मन कहीं इधर उधर भटका रहा है और जा नहीं रहा है, ऐसी कल्पना करना बार 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 कि विचार तो आ रहे हैं मगर वो कृति नहीं कर रहा है, विचार आ रहे हैं मगर वो कृति नहीं कर रहा है, ऐसा इमेजिनेशन करना, विजुअलाइजेशन करना। और एक्चुअली भी उसको मैंने बताया है कि जब जब विचार आते हैं तब अपना मन कहते हैं भटका देना है, किसको फ़ोन कर दे, किसको दोस्त को फ़ोन कर दे, किसके साथ में बात कर, कुछ तो भी कर ताकि वो विचार चले जाएंगे, बाद में विचार आएंगे तो फिर और कुछ तो भी अपना मन भटका देने का, ऐसा करना पड़ेगा। उसने धीरे 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 मेरा कहना मान लिया, और आराम आराम से फ़ायदा होते होते 6 महीने के अंदर उसने बताया मुझे कम से कम 60% फ़ायदा हो गया, बहुत रिलैक्स है अभी आज और अच्छा जीवन जी रहा है। उसको विश्वास है और मुझे भी विश्वास है कि ये पूरा 100% ठीक हो जाएगा, ये दवाई और हिप्नोथेरेपी साथ में करता है। तो ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो जरूर लोगों को शेयर करो, थैंक यू वेरी मच, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, धन्यवाद।